हे गाइस, स्वागत है सबको और एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रहा है हर एक रियलमी डिवाइस में, वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉट वर्किंग। प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो गाइस देखिए, ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली रियलमी वाई 2.0 अपडेट के बाद रियलमी का हर एक डिवाइस में देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले रियलमी X2 में आ रहा था, अभी रियलमी XT में आ रहा है और रियलमी X7 में आ रहा है। मतलब लगभग रियलमी का सभी डिवाइस में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। रियलमी वाई 2.0 अपडेट के बाद बेसिकली ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो फिर आज हम इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा जिसका थ्रू आप खुद ही ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो, अपने आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक रियलमी डिवाइस है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो फिर चलते आज की वीडियो तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो बनने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जाओ फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में प्रेस कर देना। आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गाइस, उससे पहले आप जान लीजिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता कैसा है, ये कहाँ पे रहता है, वो इसका काम क्या है। तो बहन देखिए, ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, आप किसी को कॉल करने के बाद आपका फोन आप यार के पास ले जाते हो तो आपका जो फोन का स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो जाता है। यही है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के काम। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर गाइस इधर रहता है और किसी किसी डिवाइस में इधर भी रहता है, तो वो डिवाइस का मुताबिक यहाँ पे रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है बहुत ही काम का सेंसर है। आपका फोन का बैटरी बैकअप इसका थ्रू थोड़ा सा इंक्रीज होता है। दोस्तों, ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये दोनों तरीके से काम नहीं करता है। अगर आपका डिवाइस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर धूल मिट्टी या पे कोई भी डस्ट चला जाए तो वो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो काम नहीं करता है, या फिर सॉफ्टवेयर का अपडेट के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, मेरा डिवाइस में कोई भी धूल मिट्टी या पे नहीं गया है, इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। तो अगर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप अपने आप उसको ठीक कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं जिसका थ्रू ये जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिलहाल गाइस देखिए, मेरा डिवाइस में ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है काम नहीं कर रहा है। मैं एक डायल कर लेता हूं। तो गाइस देखिए, कॉल को डायल करने के बाद ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखिए दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है। आप फिलहाल देखिए, मेरा फोन का जो स्क्रीन है ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना, एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, अगर आपका डिवाइस में कोई भी बैक केस लगा हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। बैक केस में देखिए, इधर एक गार्ड रहता है जिसका थ्रू भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर कभी कभी टाइम काम नहीं करता है। तो गाइस, अगर आपका डिवाइस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आप एक बार आपका डिवाइस का जो बैक गार्ड है उसको उतर के आप एक बार ट्राई करके देख लेना। सब भी अगर काम नहीं करता है तो नेक्स्ट जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ उसको आप जरूर फॉलो करना। दोस्तों फिर देखिए, आपका डिवाइस में जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है ऊपर में, उसका थ्रू भी ये जो प्रॉब्लम कभी कभी आ सकता है। तो अगर आपका डिवाइस में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका डिवाइस का जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है उसको आप एक बार रिमूव करके देख सकते हो। ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर फिर भी आपका डिवाइस में ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप को अच्छी तरह से देखना। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको जस्ट आपका डिवाइस में सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट का। आपको जस्ट ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन में जाना होगा, फिर आपको ऐप लिस्ट ऑप्शन में जाना होगा। फिर देखिए गाइस, इधर आपको बहुत सारे ऐप्स इधर से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, फिर आपको देखिए इधर आपको टू डॉट देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको टू डॉट ऑप्शन में क्लिक करना है। टू डॉट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको शो सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको शो सिस्टम ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको जस्ट कॉल को सर्च करना है, CALL। आपको जस्ट कॉल लिखले सर्च कर देना। सर्च करने के बाद इधर देखिए आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कॉल मैनेजमेंट और कॉल सेटिंग। आपको जस्ट एक एक करके इन तीनों जो एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन का डाटा आपको एक एक करके क्लियर कर देना है। और क्लियर करने के बाद आपको जस्ट इधर इसका जो फोर्स है उसको भी आपको स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद तो गाइस, ये जो तीनों एप्लीकेशन है ना, आपको तीनों एप्लीकेशन है यहाँ पे फोर्स को इधर से स्टॉप कर देना है। इसका थ्रू दोस्तों आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है
है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें डस्ट, मिट्टी या फिर कोई भी धूल वगैरह चला गया है, तो आप एक बार सर्विस सेंटर विजिट कर रहे हैं उसको जो अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए, फिर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर 100% वर्क करेगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो इसके मैं जितने सारे स्टेप बोला आप उसको फॉलो करना, उस आपको डिवाइस का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करने रहेगा। अगर उसमें धूल मिट्टी चला गया है तो आपको सर्विस सेंटर विजिट करना ही होगा। आप एक बार जरूर मैं जितने सारे स्टेप बोला उसको आप फॉलो करके एक बार देख लेना। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, और आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करके बताना मैं जितने सारे स्टेप आपको बोला उसको फॉलो करने के बाद आपका डिवाइस में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं। तो गाइस मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।